झोला छाप डॉक्टर को लेकर ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया शिकायती पत्र। मामला इकदल थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांदनपुर कोठी गांव का। गांव के रहने वाले ग्राम प्रधान प्रतिनिधि देवेश कुमार ने मीडिया को बताया कि गांव में झोला छाप डॉक्टर है जो कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आए दिन लोग इसके इलाज से गंभीर बीमारी का शिकार हो रही है। इस संबंध में देवेश कुमार के द्वारा एक साल पहले भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शिकायती पत्र दिया गया था लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर देवेश कुमार आज सैकड़ों की संख्या में इटावा के जिलाधिकारी कार्यालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की। इस संबंध में जब भारत टीवी के द्वारा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी यतीन्द्र राजपूत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? देवेश कुमार। क्या मामला है, जिस तरीके से आज आपने जिलाधिकारी से मुलाकात की, शिकायत पत्र दिया? डॉक्टर सनक सोनलाल है राजपूत, वो हमेशा हमारे यहाँ डॉक्टर झोला छाप करते हैं और हमेशा धनवाई करते हैं प्रतिदिन, और जनहानि भी होती है उन लोगों से। तो ये रोका तो एक बार हमने वो CSC सेंटर पर हमने दी थी लिखित में, तो अभी उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ इसलिए दोबारा मैं आया। तो इसको लेकर आपने CMO को? हाँ, CMO साहब को दिया था मैंने। क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि उसका देखा जाएगा, तो 21 में दिया था, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कई साल हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या मांग करते हैं? ये मांग कर रहे हैं इसका, या तो इसकी वो जिसकी मेडिकल वो होती है वो इसकी जाँच की जाए, और ये प्रतिदिन ये धनवा यहाँ करता रहता हमेशा, और ये जालसाई वैसा आइए सिस्टम क्रिमिनल टाइप का आइए, हमेशा ये उत्पाती बकराता रहता हमारे यहाँ।